कहानी, दोनों की प्रेम कहानी 4 सालों से चलती हुई आ रही थी। उसके बाद प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होती है। लेकिन शादी की पहली रात पर जब दूल्हा अपनी दुल्हन के अपनी प्रेमिका के पास पहुंचता है, उसके हाथों को चूमते हुए वो उसको प्यार कर रहा था कि अचानक से दुल्हन उसको धक्का देती है और उससे बोलती है कि मेरे साथ कभी भी ज़िंदगी में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। और उसके बाद जो दूल्हा कांड करता है वो सुनकर और दुल्हन ने ऐसा क्यों किया पूरा मामला जानकर आप भी तंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। वहाँ पर रहने वाला कुणाल, जिसकी उम्र 22 साल थी, कुणाल अचानक से अपनी माँ के पास पहुँचता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी माँ पूछती हैं, बताओ बेटा क्या बात है। तो कुणाल बताता है कि मैं एक लड़की से 4 साल पहले से बातचीत करता हुआ आ रहा था, मैं उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन हम लोगों की प्रेम कहानी को 4 साल हो चुके हैं और अब वो मुझसे शादी करने की बोल रही है। और वो ये भी बोल रही है कि अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगी, तुम एक बार उससे बात करो। वही कुणाल का फ़ोन लेकर उसकी माँ लड़की से बात करती है तो पता चलता है कि लड़की पड़ोस के ही गांव की रहने वाली है, जिसका नाम प्रिया है, जिसकी उम्र 21 साल है। प्रिया कुणाल की माँ से भी वही बात बोलती है जो उसने कुणाल से बोली थी। वो उसकी माँ से बोलती है कि अगर आपने अपने लड़के की शादी मुझसे नहीं की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी और मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके घर आ रही हूँ, वहीं पर बैठ कर बात करूँगी। कुणाल की माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, तुम घर पर आ जाओ। और प्रिया कुणाल के घर पहुंच जाती है। वो कुणाल की माँ और उसकी भाभी दोनों से बातचीत करती है, शादी के लिए उनको राज़ी कर लेती है। कुणाल की माँ बोलती है कि हम दूसरे दिन तुम्हारे घर पर आएंगे शादी की बात करने के लिए, अपने घर पर बता देना। प्रिया अपने घर पर आकर अपने माता पिता को भी शादी की बात बोल देती है। दूसरे ही दिन कुणाल की माँ प्रिया के घर पर आकर शादी की बातचीत करती हैं। दोनों की फैमिलियाँ शादी को तैयार हो जाती हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ दोनों की शादी की जाती है। शादी के बाद कुणाल प्रिया की विदा कराकर अपने घर ले आता है। कुणाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता था उससे उसकी शादी हो चुकी थी। और शादी की पहली रात पर कुणाल अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुँचता है और उससे बोलता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, आज मैं तुम्हें प्यार करूँगा। और कुणाल अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी के हाथों को चूमते हुए उसको प्यार करने लगता है, उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है कि उसी बीच प्रिया कुणाल को धक्का देती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना, मुझे संबंध बनाना और ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कभी नहीं करूँगी। कुणाल को पहले ये सब मजाक लगता है लेकिन प्रिया को इतना सीरियस देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और उसके बाद वो प्रिया को तमाम मनाने की कोशिश करता है लेकिन प्रिया एक ही बात पर अड़ी रहती है कि मैं संबंध नहीं बनाऊँगी। और कुणाल उसके बाद अपनी माँ को बुलाता है, अपनी भाभी को बुलाता है और पूरी बात उन लोगों को समझाता है। और उसके बाद प्रिया की फैमिली वालों को फ़ोन लगाकर ये बात बताई जाती है। दूसरे ही दिन पंचायत बैठ जाती है जिसमें प्रिया को समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन प्रिया अपनी बात पर डटी हुई थी। उसका कहना था कि मैं अब कुणाल को छोड़ दूंगी लेकिन ये सब नहीं करूंगी। और आखिर में कुणाल प्रिया से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी संबंध नहीं बनाऊँगा, तुम्हारे साथ मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा, तुम यहाँ पर रहो, अपना इलाज करवाओ, डॉक्टर्स को दिखाओ और उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। वहीं कुणाल की माँ और उसकी भाभी प्रिया को डॉक्टर्स के पास लेकर पहुँचती है, उसका चेकअप करवाती हैं लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रिया बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, बस सिर्फ इसकी इच्छा है। वहीं कुणाल जब प्रिया को और ज़्यादा समझाता है, बुझाता है, तो उसके बाद प्रिया साफ तरीके से बोल देती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और वापस वो अपने मायके चली जाती है। कुणाल तमाम समझाने की प्रिया को कोशिश करता है कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें टच नहीं करूँगा, तुम वापस आ जाओ, लेकिन अब प्रिया की ज़िद अड़ी हुई थी कि मैं तुमसे डिवोर्स लूँगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और उसके बाद
तमाम समझाने की कोशिशें प्रिया को करते हैं प्रिया की खुद की फैमिली वाले, लेकिन प्रिया अपनी बात से नहीं टूटती और उसके बाद दोनों का डिवोर्स हो जाता है। कुणाल बहुत ज़्यादा दुखी होता है। कुणाल ने तो आखिर में ये भी बोल दिया था कि तुम वापस अपने घर रहो, जब तुम्हारा मन हो जब तुम वापस आ जाना, लेकिन प्रिया अपनी ज़िद पर अड़ी रही और आखिर में उसने डिवोर्स ले लिया। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि प्रिया मेंटल है, वो पागल है, क्योंकि उसने पहले शादी की ज़िद की और आखिर में उसने शादी कर भी ली, फिर उसने डिवोर्स की ज़िद की, उसने डिवोर्स भी ले लिया, उसने शारीरिक संबंध ना बनाने की ज़िद की, वो भी उसने पूरा कर लिया। इसलिए प्रिया पागल है और उसकी घरवाले उसकी शादी अब किसी के साथ भी ना करें, अपनी दूसरी बेटियों की शादी करें और उसका इलाज करवाएं। आप ऐसी घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।